तो आइए बात करते हैं कि इस DeFi सीरीज़ में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए DeFi को कंप्लीट करने के लिए, इस DeFi सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली DeFi सीरीज़ में हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स इंटरमीडिएट लेवल एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स एडवांस लेवल। तो शुरुआती दौर पे जैसे कि आप लोगों ने शायद कल पहला वीडियो देखा भी होगा व्हाट इज़ DeFi पे, कि DeFi क्या है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा व्हाई DeFi, कि DeFi के आखिर में ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ना है DeFi। थर्ड दैट इज़ द DeFi डेवलपर रोड मैप, जहाँ पे मैं आपको एकदम स्क्रैच से बताऊंगा कि यार DeFi डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट यू हैव अ क्लियर पिक्चर इन माइंड इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ DeFi डेवलपर इन फ्यूचर। देन वी विल हैव द डिफरेंट DeFi कैटेगरीज़, तो DeFi में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उन सारी कैटेगरीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम लोग फेमिलियर हो सकें DeFi के साथ, बिकॉज DeFi इज़ नॉट जस्ट डेवलपमेंट, DeFi इज़ डेवलपमेंट विथ फाइनेंस। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा क्योंकि इसमें फाइनेंस के काफ़ी सारे टर्म्स होंगे, टर्मोलॉजीज होंगे एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डेवलपर। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे कि यार DeFi में क्या कैटेगरीज होती है, क्या टर्मोलॉजीज होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो हमारा सेक्शन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सेक्शन रहेगा जहाँ पे हम लोग DeFi से फेमिलियर होंगे। देन आफ्टर दैट वी विल कवर टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स इन द DeFi प्लेटफॉर्म, दैट इज PancakeSwap एंड UniSwap। लाइक सबसे पहली चीज़ जो हम लोग समझेंगे कि DeFi में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मोलॉजीज जो इन सारे प्लेटफॉर्म से यूज़ हो रही हैं, ट्रस्ट मी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्मोलॉजीज आप इन प्लेटफॉर्म से पाओगे, लाइक स्लिपेज क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, पुट क्या होता है, देर आर सो मेनी डिफरेंट टर्मोलॉजीज दैट आर गोइंग इन द फाइनेंस वर्ल्ड, जो कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी देखोगे तो इनकी टर्मोलॉजीज से हम लोग थोड़ा फैमिलियर होंगे, इनके प्लेटफॉर्म से हम लोग थोड़ा फैमिलियर होंगे ताकि हम लोग फिर अपने कोडिंग वाले पार्ट पर जा सके। एंड देन वी विल डू अ सिंपल काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग, जहाँ पे ट्रेडिंग एज इन वॉली ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाते हैं। द पॉइंट इज कि हम लोग एक पाइथन की पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है किसी DeFi प्लेटफॉर्म पे। तो ताकि अगर आप किसी कंपनी में कल जाते हो एंड देयर यू हैव टू राइट पाइथन कोड इन ऑर्डर डू सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग और डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑन दीज DeFi प्लेटफॉर्म्स, आप कर सको। ओके, देन वी विल लर्न फ्लैश लोन्स एंड आर्बिट्राज, तो हम लोग फ्लैश लोन्स क्या होते हैं, आर्बिट्राज क्या होता है, इस तरह की भी सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो होते हैं उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे। एंड नॉट ओनली द थ्योरी पार्ट, लेट मी टेल यू वी विल कवर द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल, मतलब हम लोग हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके करेंगे, फ्लैश लोन्स को भी प्रैक्टिकली देखेंगे, आर्बिट्राज को भी प्रैक्टिकली देखेंगे, ट्रेडिंग को भी प्रैक्टिकली देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला जो सेक्शन रहेगा हमारा ये थोड़ा आप कहोगे हमारा इंटरमीडिएट लेवल होगा एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ द डिफिकल्ट सेक्शन, ट्रस्ट मी दिस इज़ अ डिफिकल्ट सेक्शन, तो आपको मेरे साथ बेयर करना होगा, यू हैव टू बी विथ मी ऑल द टाइम ताकि आपको समझ आ सके कि यार ये चल क्या रहा है, अदरवाइज बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं ये सब फ्लैश लोन्स, आर्बिट्राज और उनकी जो कोडिंग भी होती है, ट्रस्ट मी दैट इज़ वेरी हार्ड। तो मैं आपको इसीलिए ओवरव्यू पहले से बता रहा हूँ कि यार ये हार्ड है, इट्स नॉट ईजी, सो थोड़ा अपना इस तरह से माइंड मेकअप करना, डू नॉट गेट लाइक गिव अप मत कर देना बीच जर्नी में कि यार यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट ट्रस्ट मी इसी के पैसे मिलते हैं क्योंकि यार ये हार्ड है, राइट। एंड देन द थर्ड सेक्शन विल बी ऑल अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे DeFi के ऊपर, चाहे वो टोकन स्टेकिंग डैप हो, चाहे वो स्वैपिंग किस तरह से की जाती है टोकन्स की, और भी जो DeFi के पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग इस पर्टिकुलर DeFi सीरीज में बनाएंगे। एंड डोंट थिंक यार हम लोग सिर्फ इसमें 9 वीडियोज़ या 10 वीडियोज़ आने वाले हैं, डोंट नॉट थिंक लाइक दैट, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। मेरे पास कोई आपको एग्जैक्ट नंबर बताने को तो नहीं है, बट इट विल बी मोर देन आई थिंक 15-20 videos, more than that I think, okay, I'm not sure, because all these topics will take time, all these topics are pretty huge topics I will say, har ek video I think these topics will cover around 3 to 4 hours something like that, to ye bahut hi badi series hogi, theek hai, to aap logon ne bahut saare logon ne pucha tha ki yaar kitna isme videos honge, kitna time lagega, so it will be a time taking process, but I will advise you to watch the videos on daily basis, jaise jaise ye upload hote rehte hain, okay, to ye rahega basically hamara overview. Now, what are the prerequisite of this particular course? The prerequisite of this particular course is that you should definitely have a knowledge of blockchain. अगर आप एकदम ही न्यू हो ब्लॉकचेन पे तो यार DeFi सीरीज आपके लिए इतनी कारगर नहीं होगी, तब मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉकचेन मास्टरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, कोडिटर पे जो वीडियोस हैं उनको फॉलो करो, एंड देन ओनली कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। एंड देन वी विल बी रिक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ एडवांस सॉलिडिटी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ERC-20 टोकन कैसे बनता है, इंटरफेसिस क्या होते हैं, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, मतलब इस तरह के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एडवांस सॉलिडिटी में आपके आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए, आपको लाइब्रेरी बनाना आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो अगर आपको पता है देन दैट्स ग्रेट, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बहुत सारे बूट कैंप्स करता हूँ, लाइव ब्लॉकचेन बूट कैंप्स करता हूँ, वहाँ पे मैं एडवांस ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ही मज़ेदार बूट कैंप होता है जहाँ पे मैं ERC20 टोकन से लेकर हर एक चीज़ जो एडवांस ऑलरेडी में होती है वो सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वो ज्वाइन कर सकते हो, अगेन बट दैट्स योर कॉल। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है नो नीड टू ज्वाइन, और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं और से पढ़ सकता हूँ देन ऑल्सो नो नीड टू ज्वाइन, बट या दैट इज अ मास्टर पीस कोर्स आई विल से। सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन डेफिनेटली यू शुड, लाइक आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू एटलीस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस पाइथन, दैट वी विल बी रिक्वायरिंग पाइथन ऑल्सो बिकॉज पाइथन फाइनेंस में काफ़ी यूज होती है एंड वी विल बी यूजिंग इट फॉर ट्रेडिंग एंड वैन वी विल बी क्रिएटिंग ट्रेडिंग बॉट्स। So yes, Python will be used as well in this particular application. And yeah, JavaScript definitely will be used, no doubt in that. JavaScript मैंने mention नहीं किया because when we will be creating front ends of some dApps, in that particular case, JavaScript will be used, React.js will be used. But these are, I will say, the core of DeFi जो आपको पता होने चाहिए, okay?